अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 6 पार्ट्स। ये वाले आज पार्ट्स आप सीखेंगे जी। इन क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई के दोनों लॉ यूज करेंगे जो हमने पहले किए हैं। इसमें पहले ये फर्स्ट लॉ देखें, इसमें बेसिस सेम है, दोनों बेसिस अगर सेम हो तो बेसिस हम एक लिखेंगे बेस। इसमें देखें माइनस सेवन की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस सेवन की पावर 4। अब बेस माइनस सेवन, इधर भी बेस माइनस सेवन है तो बेसिस सेम है तो बेस हम एक भी बेस लिखेंगे। ये बेस कॉमन लिखी है और इनकी पावर फिर क्या करेंगे, ऐड। बेस कॉमन लिखी है तो पावर ऐड करेंगे, 5 + 4 9 होगा, 9 हम इसकी पावर लिख देंगे जी। ये इन दोनों का आंसर है माइनस सेवन की पावर 9। अब सेकेंड लॉ में देखें, माइनस 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई माइनस 5 की पावर 8। इधर बेस माइनस 3 है और इधर बेस क्या है, माइनस 5। अब दोनों बेसिस डिफरेंट हैं, ये जब बेसिस डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों बेस को। माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 तो आंसर आएगा प्लस 15। क्या आएगा, 15। ये 15 आ गया। अब इनकी पावर हम देखेंगे जिसमें पावर दोनों की सेम है, पावर सेम है तो पावर हम कॉमन लिखेंगे, 8 ही पावर आएगी 15 की, पावर फिर हम ऐड नहीं करेंगे। 15 की पावर आंसर क्या आया, 15 की पावर 8 जी। यही दोनों एक्सपोनेंट ला हम यूज करेंगे इन्हीं क्वेश्चन में। अगर बेस डिफरेंट हो दोनों की तो बेस हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हम फिर कॉमन लिखेंगे। अगर बेस सेम हो तो फिर बेस हम कॉमन लिखेंगे, पावर हम फिर हम ऐड करेंगे जी। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, माइनस 1/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 की पावर 5। अब इनमें देखें दोनों बेसिस सेम हैं, माइनस 1/2 बेस है, इधर भी बेस माइनस 1/2 है। जब बेसिस सेम हो तो बेस हम कॉमन लिखेंगे, माइनस 1/2 ये आंसर होगा इसका। फिर हम इसकी पावर देखेंगे, पावर इनकी 6 और इसकी 5, इनको ऐड करेंगे, 5 + 6 क्या होगा, 11, ये इसका आंसर होगा, माइनस 1/2 की पावर 11। जब सेकंड क्वेश्चन में देखें, माइनस 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई माइनस 5 की पावर 7। अब इसमें बेसिस दोनों डिफरेंट हैं, इधर माइनस 3 इधर माइनस 5। अब हम बेसिस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 3 × 5 = 15 प्लस 15 होगा तो इनकी पावर क्या होगी, 7। दोनों पावर इनकी सेम है, पावर फिर हम कॉमन लिखेंगे, 15 की पावर 7 होगी, ये इसका आंसर होगा, 15 की पावर 7। जब हम थर्ड पार देखेंगे, ये बेस देखें 2/3 की पावर 10 है, ये 2/3 की पावर 7 है, ये भी दोनों बेसिस सेम है, फिर हम बेस कॉमन लिखेंगे, 2/3 तो फिर इनकी पावर क्या करेंगे हम, ऐड। 10 + 7 क्या होगा, 17, 2/3 की पावर 17 जी, ये इसका आंसर होगा, 2/3 की पावर 17। ये हम फोर्थ पार्ट करेंगे, -10/11 की पावर 7 -10/11 की पावर 6। अब ये भी दोनों बेसिस सेम हैं तो बेस हम फिर कॉमन लिखेंगे, -10/11 ये देखेंगे। पहले हम इनकी पावर ऐड करेंगे, 7 + 6 = 13 पावर 13 होगी और बेस क्या होगी, -10/11 ये इसका आंसर होगा, -10/11 की पावर 13। जब हम फिफ्थ पार्ट में देखेंगे, 11/7 की पावर 8 मल्टीप्लाई 21/22 की पावर 8। अब इसमें दोनों बेसिस डिफरेंट हैं, 11/7 बेस है, इधर 21/22 बेस है, बेस डिफरेंट है तो हम बेस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दोनों बेसिस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जी। मल्टीप्लाई से पहले हम देखेंगे इन दोनों को, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। ये 11 इस 11 से कटिंग हो जाएगी, 22 से 11 1s are 11 2s are, जिन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 11 1 time is 11 1 लिखा है, 11 2 times होता है 22 और यहाँ 2 लिखा है। अब ये 7 की और 21 की भी हो जाएगी, जिस तरह 7 और 21 भी सिंप्लीफाई हो गए, 7 1 time is 7 तो 1 लिखा है और 7 3s are 21 होता है तो यहाँ 3 आ गया। अब हम ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3 3 1 time 3 होगा तो नीचे
टू वन टाइम इज टू, थ्री बाय टू इसका आंसर होगा, थ्री बाय टू। सॉरी पहले इसकी पावर देखें, पावर इनकी दोनों की सेम है, पावर हम कॉमन लिखेंगे। पावर क्या लिखेंगे, एट, थ्री बाय टू की पावर एट, ये इसका आंसर होगा, थ्री बाय टू की पावर एट। जी अब लास्ट पार्ट में देखें, माइनस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाय वाई की पावर इलेवन। अब ये बेस क्या है, माइनस एक्स बाय वाई, ये भी माइनस एक्स बाय वाई, दोनों बेसिस सेम है, इसके ऊपर इलेवन है पावर, इसके ऊपर पावर नहीं है, ये तो आपको पता है, अगर पावर नहीं है तो यहाँ क्या होगी, वन। जी इसी तरह जिसकी पावर ना लगी हो तो उसकी पावर क्या होती है, वन। अब बेसिस दोनों सेम है, बेस हम फिर कॉमन लिखेंगे, माइनस एक्स बाय वाई और पावर इनकी ऐड करेंगे, माइनस एक्स बाय वाई की पावर बन जाएगी ट्वेल्व, इलेवन प्लस वन ट्वेल्व, तो ये इसका आंसर होगा, माइनस एक्स बाय वाई की पावर ट्वेल्व।